नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एजिकाइन 500 टेबलेट्स के बारे में। इस टेबलेट के अंदर अपन कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर दिया गया है अजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार किस तरह की समस्याओं से राहत पाने के लिए डॉक्टर्स इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं और इस टेबलेट का इस्तेमाल करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यह जो टेबलेट है एजिकाइन 500, इसमें जो कंपोजिशन दिया गया है अजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम, आखिरकार किस तरह के अपन को समस्याओं से राहत देने का काम करता है। तो यह जो टेबलेट है एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। यदि कोई पेशेंट उसके शरीर के अंदर किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से राहत पाने के लिए डॉक्टर से इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अपन बात करें कि आखिरकार किस किस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पेशेंट को राहत देखने को मिलेगी। तो यदि कोई पेशेंट उसको किसी तरह कोई गले के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन के कारण उसके गले के अंदर रेडनेस आ गई है, स्वेलिंग आ गई है या फिर गले के अंदर टॉन्सिल वगैरह बढ़ गई हैं, तब डॉक्टर से इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। यह जो टेबलेट है आपके गले के इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रेट इन्फेक्शन यानी कि श्वसन पथ के अंदर किसी तरह कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण उसको बार बार खांसी आती रहती है, बलगम आता रहता है, छींके आती रहती है, तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रेट इन्फेक्शन हो गया है तो उससे भी राहत पाने के लिए डॉक्टर से इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट उसके कान का इन्फेक्शन हो गया है, मान लीजिए इन्फेक्शन होने के कारण उसके कान में बहुत ज़्यादा पेन रहता है या फिर कान से पस वगैरह बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है, तब भी डॉक्टर से इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा कोई पेशेंट उसको लंग्स का इन्फेक्शन, जिसे अपन नॉर्मली निमोनिया बोलते हैं, तो आपके लंग्स के इन्फेक्शन से राहत पाने के लिए भी डॉक्टर से इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा स्किन का इन्फेक्शन हो गया हो, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि स्किन के जो इन्फेक्शन होते हैं स्किन के ऊपर फोड़े फुंसी हो जाते हैं, घाव वगैरह हो जाते हैं, वह ठीक नहीं हो पाते हैं, उनके अंदर पस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपके स्किन के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर से इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बुखार हो गया, जुकाम खांसी की समस्याएं, तो ऐसे वायरल इन्फेक्शन जो कि टाइफाइड बुखार जैसी समस्याएं इन्फेक्शन के कारण, तो आपके वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने में भी यह जो टेबलेट है बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट कई बार उनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की समस्याएं रहती है, जैसे कि गोनेरिया वगैरह की, मतलब कि यौन संचारित यानी कि जो बीमारियां होती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि वेजाइनल इन्फेक्शन की समस्याएं या और भी किसी तरह कोई इन्फेक्शन की समस्याएं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड, तब भी डॉक्टर से इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। यह जो टेबलेट है पेशेंट को रिजल्ट बेहतरीन देने के काम करती है, आपके इन्फेक्शन को ठीक करती है। इन्फेक्शन के कारण जो आपको समस्याएं हो रही है उसके लिए आप अलग से कोई मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। यह जो टेबलेट है आपके इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है जिससे आपको राहत देखने को मिलती है। तो यह जो टेबलेट है पेशेंट को रिजल्ट बेहतरीन देने के काम करती है। नॉर्मली आपको हर मेडिकल स्टोर पर यह जो टेबलेट है अवेलेबल हो जाती है। देखिए अपन बात करें इस टेबलेट की प्राइस के बारे में, तो मैं जिस टेबलेट का रिव्यू कर रहा हूँ एजिकाइन 500, इस टेबलेट की प्राइस है मात्र 78 रुपीज़, जिसके अंदर 3 टेबलेट की स्ट्रिप आपको नॉर्मली मिल जाती है। यदि आप अन्य ब्रांड की और कोई दूसरी टेबलेट का इस्तेमाल करोगे जिसके अंदर अजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम दिया गया हो, तो उसकी प्राइस में आपको कमी या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। देखिए यह जो टेबलेट है आपको 250 mg के अंदर और 500 mg के अंदर अवेलेबल रहती है, तो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इसकी डोज डिसाइड की जाती है। एडल्ट डोज के बारे में अपन बात करें तो दिन में केवल 1 टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। यदि पेशेंट को ज़्यादा समस्याएं रहती है तो कई बार सुबह और शाम भी यह जो टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। बात करें अपन इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग जैसी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है, नींद आने जैसी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है, डायरिया हो सकता है या फिर किसी तरह कोई एलर्जिक समस्याएं होने लग जाए जैसे कि स्किन में रैशेज या खुजली वगैरह। तो इस प्रकार की यदि समस्या हो तो आप इस टेबलेट का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस टेबलेट का इस्तेमाल करें। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है एजिकाइन 500 टेबलेट्स के बारे में कि आखिरकार किस तरह की समस्याओं से राहत पाने के लिए डॉक्टर से इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं और इस टेबलेट का इस्तेमाल करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली तो यार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।